नमस्कार दोस्तों, माया नगरी में आपका स्वागत है। हाजिर हूं मैं एक दिलचस्प जानकारी के साथ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हिंदी सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस जिसने बचपन में ही बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी, बचपन में परिवार की जिम्मेदारियों में इतनी उलझ गई कि वो दूसरे बच्चों की तरह अपने बचपन के पलों को एंजॉय नहीं कर पाई। एक्ट्रेस ने कई बार खुद इस बात का खुलासा भी किया कि वो भी स्कूल ही नहीं गई हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इसकी असल वजह क्या रही है। दोस्तों आज मैं जिस एक्ट्रेस की बात कर रहा हूं वो कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड और साउथ सिनेमा में खूब नाम कमाने वाली दिग्गज एक्ट्रेस सारिका हैं, जो इंडस्ट्री के टैलेंटेड स्टार कमल हासन की दूसरी पत्नी बनी थी। अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर वो शुरू से ही सुर्खियों में बनी रही हैं। उनकी बेटी श्रुति हासन ने भी एक्टिंग में ही करियर बनाया और इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। सारिका बहुत छोटी थी तभी उनके पिता ने उनके परिवार की जिम्मेदारियां उठाना छोड़ दिया था। उसी वक्त एक्ट्रेस ने परिवार का पेट पालने के लिए काम करना शुरू कर दिया था। यही वजह थी कि पढ़ने लिखने की उम्र में ही वो काम करने लगी और स्कूल भी नहीं जा पाई थी। सारिका ने एक्टिंग करियर की शुरुआत 5 साल की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। हिंदी फिल्मों में उन्होंने साल 1960 के दशक के दौरान एक लड़के मास्टर सूरज की भूमिका निभाकर शुरुआत की थी। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उनकी फिल्म हमराज, जो कि 1967 में आई थी, अपना डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। अपने करियर में कई फिल्मों में काम करने के बाद उन्हें सचिन पिलगांवकर का साथ मिला और राजश्री प्रोडक्शंस की गीत गाता चल फिल्म में उन्होंने काम किया। इसके बाद उन्होंने सचिन के साथ कई हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में उनके काम को काफी पसंद किया गया और उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। सारिका ने अपने करियर में खूब नाम कमाया। करियर के पीक पर उन्होंने साउथ सिनेमा के पॉपुलर एक्टर कमल हासन से शादी कर ली थी, जो पहले से ही शादीशुदा थे। इससे पहले कमल की पत्नी वाणी थी, जो उनके साथ फिल्म मेलनातु मरुमगल में काम कर चुकी थी। सारिका ने कमल से शादी के बाद उनकी फिल्मों में बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी काम किया। सारिका ने कमल हासन की फिल्म हे राम के लिए बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर काम किया था। उन्हें इस फिल्म में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए नेशनल अवार्ड भी दिया गया था। इसके अलावा साल 2005 में परजानिया फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी वो अपने नाम कर चुकी हैं। लेकिन कमल हासन से उनकी ये शादी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। 10 साल बाद उनकी ये शादी टूट गई और दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। दोनों ने 10 साल बाद तलाक ले लिया था। तो दोस्तों कैसी लगी ये दिलचस्प जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिर हाजिर रहूंगा ऐसी ही एक दिलचस्प जानकारी के साथ। बने रहिए माया नगरी के साथ। नमस्कार।